कोई चार्ज नहीं है, अच्छा फ्री सेवा है, दिखाई दे रही है। ये लाइन जो है ये वाली, ये मंदिर दर्शन की है, पतली वाली। ये है स्पेशल केसेस हैं जो खास मरीज। ये जो लाइन देख रहे हो महन से मिलने की है, तो और संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। वो दोस्तों स्ट्रेचर से अभी बाहर लाए तो जल पिला गया है तो ये। और ये जो लाइन है मंदिर दर्शन की है, ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूजा वगैरह। पूरे जिस्म में था यहाँ, अच्छा। नीचे पोषण में बहुत ज्यादा था। तो आपने डॉक्टर दिखाया था? आप हो गई है कृपा महंत जी की, आज तक हमें टेबलेट खाने कोई आवश्यकता नहीं था। से बैठीन के रास्ते खून आता था सब जगह, और बाबा ने मुझे जल पिलाया, उसके बाद मेरे बॉडी में सुधार होता चला गया। सुना दोस्तों, जय श्री श्याम। और दोस्तों मैं हूँ भी मनोरा धाम में, और दोबारा आया हूँ दर्शन करने के लिए। लास्ट टाइम आया था महंत जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, पर इस बार लगता है कि इस बार भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है। तो इस ब्लॉग में दोस्तों मैं पूरा जो है मैं आपको दर्शन कराऊंगा मनोरा धाम का। बहुत क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लगने वाला अगर हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। बाकी यार वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं और घुमाते आपको मनोरा धाम। दोस्तों अगर आप मनोरा धाम आना चाहते हैं तो कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको बरेली आना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट मिल जाती स्टेशन आंवला के लिए, जो कि यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मनोरा धाम का, तो यहाँ से डिस्टेंस लगभग 7 किलोमीटर का होता है। बहुत सी वीडियो में लोगों ने बोलते हैं 3 किलोमीटर है, पर 3 किलोमीटर दोस्तों 7 किलोमीटर है। और यहाँ से रिक्शा वगैरह मिल जाएगा जो कि 20 रुपये चार्ज करते हैं, उसी मनोरा धाम छोड़ देगा। तो अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन यहाँ के मिल जाती है आंवला के लिए, सब तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप बरेली आइए, बरेली से आपको पैसेंजर मिल जाती है आंवला तक के लिए, या आप डायरेक्ट वहाँ से बस वगैरह लेकर भी मनोरा धाम आ सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक ब्लॉग बनाया कि आप कैसे मनोरा धाम पहुँच सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप उसे जाके पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपको मनोरा धाम कैसे पहुँच रहे हैं। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा भीड़ देखने मिल रहा है, संडे का दिन भी है, गाड़ी आने जाम लग गया पूरी तरह से। ये देखो दोस्तों, देखिए इस तरह की गुमटियाँ वगैरह बनाई गई हैं, थोड़ी झोपड़ी टाइप बनाई गई है, इसमें भी लोगों को रहने के लिए बनाया गया है। बाकी बसें वगैरह देखिए यहाँ खड़ी हो गई, यहाँ पर काफ़ी बसें आ रखी हैं यहाँ पर। सोचो देखिए जितने दूर मेरी नज़र जा रही है वहाँ से लाइन लगी हुई है, और ये जो लाइन है मंदिर दर्शन की है, ये देखिए। और दिन के अभी 2 बज रहे हैं, और ये देखिए लोग धूप में इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, तो काफ़ी लाइन में लोग लगे हुए हैं। और देखिए अंकल चल भी नहीं सकते, ये भी आया हुआ दर्शन हमें। बाकी आपको इस तरह के बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी साइड टू साइड, जहाँ पे आप अपने जरूरत चीज़ें ले सकते हो, खाने पीने के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, और रुकने के ठहरने के सोने व्यवस्था की अभी है। रात को हमें फ्री में आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। ये देखो प्रसाद वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो लाइन देखिए बनी हुई है लाइन, लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, थक के लोग बैठ भी गए। सामने जो है मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है, ये नया मंदिर है, अभी इसमें मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, और उधर है मेन मंदिर। चलिए अब चलते हैं, आपको पास से दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है यहाँ पर लाइन को लेकर, और इसी बता दूँ यहाँ पर 2 लाइन लगी हुई है, एक तो मंदिर दर्शन की और दूसरा महंत जी की। ये जो आप लाइन देख रहे हो जो काफ़ी दूर से आ रही है, वो है मंदिर दर्शन की। तो अगर आप इसमें लाइन में लगते हैं तो मंदिर दर्शन कर पाएंगे, उसके लिए दोबारा महंत जी के अगर दर्शन करने हैं तो आपको दोबारा लाइन लगना पड़ेगा। वो लाइन कहाँ से लगेगी तो आपको वही दिखाता हूँ मैं। तो फिलहाल देखिए मैं आ चुका हूँ, और ये लाइन जो जा रही है पीछे वो जा रही है मंदिर दर्शन के लिए। फिलहाल ये देखिए, तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे शॉप वगैरह आपको देखने मिलेंगे। सामने जो मंदिर दिख रहा है खूबसूरत सा मंदिर है, ये खाटू श्याम भगवान का मंदिर बन रहा है। और देखिए पिछले बार आया तो कलर वगैरह नहीं हुआ था, अभी कलर वगैरह कर दिया गया और मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, तो बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, काफ़ी तेज़ से काम चल रहा है। अंदर देखिए POP काम हो चुका है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। और उसके नीचे ही, इस मंदिर के नीचे ही आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कंबल वगैरह भी वहीं से मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो कंबल गद्दे। बाकी इस साइड एक पूजा का स्थान है जहाँ पे लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब, आपको दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पे लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर। और ये वो लाइन है जो मंदिर वाली जा रही है, देखिए। दोस्तों देखिए ये है मंदिर वाला, कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर गणेश जी बैठे हैं, और सामने देखिए हाथी वगैरह बना रखा है यहाँ पर। और ये जो रास्ता पूरा
बना रहे हैं, एक ब्रिज बना गया है, मेरे को लगता है शायद महंत जी के आने के लिए बनाया गया है पूरा। और ये देखो ये मंदिर है सामने, मेन मंदिर है, और भीड़ देखिए सामने जो सबसे खास चीज़ है यहाँ की। तो अगर आप आ रहे हैं तो सोच के आइएगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाता हूँ इस साइड से। देख रहे हो महंत से मिलने की है, तो और संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पर। ये देखो लोग पानी की बोतल लेके आए हुए हैं यहाँ पर। सर सर मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये लाइन जो देख रहे हो ये है बाबा के दर्शन की। अगर आपको बाबा जी को तो मिलना है और पानी नहीं पलाना है तो इस साइड लाइन लगी हुई है। और आप इधर आएंगे जो ये लाइन देख रहे हो, या आप ये लाइन देख रहे हो, ये जो है मंदिर दर्शन की है, जो वहाँ से होते हुए ये पूरा देखो आपको दिखाता हूँ, ये अंदर आ रही है इसकी। ये पूरी लाइन जो है मंदिर दर्शन की है, ये देखिए। जय श्री श्याम भैया। तो आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। कैसे पता चला आपको बारे में, यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में हमारा घर भी यहाँ हुआ है। अच्छा, घर ही यहाँ पे? और लाइन मेरी यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको क्या कोई इशू है, प्रॉब्लम है, या मैं सिर्फ मिलने के लिए आए हो? सिर्फ मिलने के लिए। तीन घंटे खड़े हो अभी? तीन घंटे से वहाँ से यहाँ तक आ पाए। और अभी कितना टाइम लग जाएगा आपको? पता नहीं है, भाव जी उठेंगे बीच में तो मेरे ख्याल से ना। चलो उम्मीद है आपको जल्दी दर्शन हो। जय श्री श्याम। दोस्तों कुछ साल पहले तक मनोधाम के बारे में कोई जानता नहीं था, हालांकि मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में लोगों को तब पता चला जब YouTube पे कुछ वीडियोस बहुत वायरल होने लगी, जिसमें ये लिखा कि यहाँ पे एक मृत जो लड़की थी उनको उन्होंने जिंदा कर दिया था अपने जल पिलाकर। तो उसके वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आने लगे। और अभी सुना है कि बहुत कैंसर वगैरह भी काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, और मैंने काफ़ी लोग से बात भी करी, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, उन्होंने पूरा अपना बताया भी है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, आपके आस पड़ोस किसी को दिक्कत है, तो एक बार आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो आने के लिए। सो मेरे सामने देख रहे हो यहाँ पर श्याम जल मिल रहा है आपको, 20 रुपये पर बॉटल मिलेगा और यहीं से मिलेगा, और कहते हैं पड़ा मान जी का पड़ा हुआ है, और यहाँ से जो है बॉटल लेने के बाद आप जो है वहाँ दर्शन करोगे, लेकिन इसके लिए अलग से लाइन लगती है यहाँ पर। ये देखो तो काफ़ी लोग यहाँ पर लगे, सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। सो मेरे सामने देख रहे हो वो धर्मशाला दिख रही है, और इस साइड जो हेलीपैड है उसके जस्ट इधर कॉर्नर पे ना, यहाँ पे टोकन मिलता है उन मरीजों के लिए जो कि देखिए व्हीलचेयर पे वाले हैं, कैंसर है, किडनी ख़राब है, चलने मिलने में असमर्थ है, पैरालिसिस है, गंभीर बीमारी, इमरजेंसी, उनके लिए आपको यहाँ टोकन लेना पड़ेगा, उनको अलग लाइन देते हैं और उनके जो है दर्शन जल्दी हो जाते हैं। और टोकन देखिए मिलता है 9:30 बजे से 12 बजे के बीच टोकन मिलता है, और शाम को 8 से 9:30 के बजे मिलता है। तो अगर आप गंभीर मरीज है आपके साथ तो दोस्तों ये टाइमिंग है, आप नोट कर लीजिए, आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद सीधे आपको डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे यहाँ से। अगर आपको रुकना है तो इस तरह की यहाँ से शेड बना, हर जगह बने हुए हैं, इस तरह के शेड में आप रुक सकते हो, पंखे वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिए लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो कूलर वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा पीने का पानी वगैरह, और आपको मैंने दिखा दिया बाकी, और यहाँ देख काफ़ी लोग रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, और उस तरफ लाइन चल रही है पूरी। भाई साहब कूलर खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करके आया मंदिर, मेरे साथ चूल्हा वगैरह लेके आया यहाँ पर। बाकी दोस्तों खाने पीने के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, आप कहीं भी खा सकते हो। बाकी बारिश की वजह से देखिए पूरा जो है पूरा ख़राब हो रखा रास्ता, और यहाँ पे वो मरीज भी आए हैं जिसको जो ऑक्सीजन पे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए जितने मरीज वो यहाँ तक आ सकते हैं, उनकी गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। सो देखिए सामने खटसा मंदिर बन रहा है, उसके जस्ट इस साइड आपको ना वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा महिलाओं का और पुरुषों का, यहाँ पे स्नान कर भी तो अभी यहाँ नहा भी सकते हो फिलहाल, और यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ पे भी है सामने देख पा रहे हो। और अगर आपको ठहरना है, रुकना है, सोना है तो यहाँ पे व्यवस्था है जहाँ पे आप लेट कर सकते हो। तो ये सेल्फी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे मनोधाम लिखा हुआ है, और सामने मंदिर, और ये खाटूशा मंदिर, और एक चीज़ और को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए दो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन जो है ये वाली, ये मंदिर दर्शन की है पतली वाली, और ये जो दर्शन दिखन लोगों ने हाथों में पानी ले रखा है, बोतल ले रखा है, तो ये दर्शन है बाबा जी के दर्शन के लिए। तो देख सकते हो कि पूरा जो है खचाखच भरा हुआ है और काफ़ी टाइम लगने वाला है, ये देखिए। तो आप छाता जरूर कैरी कीजिएगा, छाता अगर गर्मी से बचना है तो। बाकी सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो, और ये काटूशा मंदिर, ये देखो भाई।
मेरा अजीत पाल सिंह नेगी नाम है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लीवर से पीड़ित था। अच्छा। मुझे सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था। 4 महीने पहले मैं बाबा के पास आया था, इमरजेंसी दर्शन करवा यहाँ दिखवाए मैंने बाबा को। मेरे नाक से लैट्रिन के रास्ते खून आता था, सब जगह मना कर दिया था मुझे। अच्छा। लेकिन 4 महीने पहले मैं बाबा के पास आया और बाबा ने मुझे जल पिलाया। उसके बाद मेरे बॉडी में सुधार होता चला गया। आज मैं 4 महीने बाद फिर आया हूँ जल के उसमें। अभी भी देखिए मेरे पैर में स्वेलिंग है, लेकिन मैं लगा हूँ लाइन में कि बाबा के दर्शन हो जाए, मुझे जल पीने को मिल जाए, क्या पता मेरा उद्धार हो जाए। आप काफ़ी ठीक भी लग रहे हैं देखने से। जी, अब मैं पहले मैं मेरा फोटो है पहले का, आप देखोगे तो मेरा वेट बहुत कम हो गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन बाबा के पास आने के बाद मुझे मैं इतना सुधार हुआ है कि मैं बाबा का कायल हो गया हूँ। चलिए, बहुत अच्छा अच्छा लगा सुन के। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमी आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े श्याम प्रेमी, आगे बढ़ते रहिए। ये कानपुर से आया है बउआ जो कानपुर से आया है, और बार सुनता हो तो अपने परिवार से संपर्क करें। बउआ, छोटा बउआ यहाँ पर नहीं है, आएगा तो बता देंगे। ये है मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और ये लाइन चल रही है आगे बढ़ा था। यहाँ नहीं आए, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, जल पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते भैया, रुकिए मत, आप लोग चलते रहिए। जय श्री श्याम बोलते रहे, मंदिर के बाहर निकालो, सहयोग करते रहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है, और लोग यहाँ पे इस तरह से कलावा वगैरह बांध रहे हैं। आम का पेड़ है ये, ये है स्पेशल केसेस हैं, जो खास मरीज हैं इनके लिए अलग से लाइन है यहाँ पर, इसके लिए टोकन लेना पड़ता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया वीडियो में। ये देखो यहाँ से दर्शन होते हैं यहाँ के। तो ये है दोस्तों कुंड है, श्याम कुंड है। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा अमित पाल नाम है जी। कहाँ से आए भैया? जी मैं सरायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एटा से आया हूँ। तो आप पहले भी आए हो कि अभी आए हो? नहीं, एक्चुअली मैं पहली बार तो बस से आया था, ट्रेवलर्स करके पर्सनल मिलने आया था बाबा जी से। अब मेरे पास गाड़ी है तो अपना गाड़ी से पैसेंजर लेके आया। ठीक है, तो क्यों आया था, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को एलर्जी था। कहाँ पे? पूरे जिस्म में था, यहाँ नीचे पोर्शन में बहुत ज़्यादा था। तो आपने डॉक्टर दिखाया था? हाँ, एम्स में इलाज चल रहा था दिल्ली से। अच्छा। तो वहाँ से डॉक्टर साहब बोले थे कि ठीक हो जाओगे, काफ़ी समय से इलाज चल रहा था, धीरे धीरे इलाज चलते चलते। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो महंत जी का फोटो वगैरह, इनका चमत्कार देखा। मैं विश्वास नहीं कर रहा था, मेरी मैडम बोली चलो आप एक बार देख के आओ। मैं आया भाई, लाइन में लगा, जल पिया। उस दिन से मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया, ओनली जो है ट्यूब यूज़ किया, स्किन वाला जो ट्यूब है वही लगाते हैं। उसके बाद बिल्कुल ये साफ हो गई है, कृपा महंत जी की। आज तक हमें टैबलेट खाने कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आप ठीक हो गए हो? हाँ, कसम। मान तो कुछ है यहाँ नहीं, यहाँ तो भाई मेरे को लग रहा है मेरे को फायदा हुआ है, तो मेरे को लगता है ये सारे भक्तों को फायदा होगा। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अगर आपको फायदा हो तो हम चाहेंगे कि और लोग फायदा हो, और जो जिनको वाकई दिक्कत है वो यहाँ पे आए, ठीक हो जाए। सुना है कैंसर वगैरह भी ठीक होता है? हाँ, ऐसा सुना, ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा है। वैसे पर्सनली किसी को नहीं दिखाया? पर्सनल तो आज मेरे काफी घर से लोग आए, मौसी वगैरह भी आई हुई हैं। अच्छा अच्छा, उनको भी, उनको टीवी का की शिकायत है। अच्छा, देखते हैं क्या करिश्मा है क्या है। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय श्री राम। जय श्री राम। सो लोग जो चल फिर नहीं सकते वो भी देखे कैसे आ रहे हैं। देखिए कितने बाद नंबर आया, कितने देर बाद भैया? 24 घंटे बाद नंबर आया। 24 घंटे के बाद? 24 घंटे मतलब हो गया दर्शन? हो? हाँ, पर ये है कि अच्छे से दर्शन हो गए। अच्छा, मतलब 24 घंटे अच्छे दर्शन हो गए। सर सब देख पा रहे हो? फिलहाल मैं अंदर तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है पेशेंट वगैरह आए हुए हैं। धन्यवाद। तो मेरे सामने ये एकमात्र धर्मशाला है जो कि श्याम आसरा नाम से है। चलिए अब अंदर चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल लेते हैं आपको। ये देखिए, ये पूरा जो है ये एकमात्र धर्मशाला होटल बोल लीजिए, इसको जो भी बोल लीजिए, इसी में आपको कमरे वगैरह मिल जाएंगे डोरमेंट्री।
दोस्तों कुछ साल पहले तक मनोज धाम के बारे में कोई जानता नहीं था, हालांकि मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में लोगों को तब पता चला जब YouTube पे कुछ वीडियोस बहुत वायरल होने लगी, जिसमें ये लिखा कि यहाँ पे एक मृत जो लड़की थी उनको उन्होंने जिंदा कर दिया था अपने जल पिला कर, तो उसके वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आने लगे। और अभी सुना है कि बहुत कैंसर वगैरह भी काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, और मैंने काफ़ी लोगों से बात भी करी, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, उन्होंने पूरा अपना बताया भी है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, आपके आस पड़ोस किसी को दिक्कत है, तो एक बार आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो आने के लिए। कंप्लीट वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको दी है, और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो उसके मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, तो वो भी देख लीजिएगा। तो ये था वीडियो, और वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।